दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी है। इस बार उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को अब पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडगा से जसबीर कारला, मंगोलपुरी से राकेश जाटव, चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह सहनी, पटेल नगर से प्रवेश रतन, मादीपुर से राखी बिड़ला, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज, पालम से जोगिंदर सोलंकी और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देवली से प्रेम कुमार चौहान, त्रिलोकपुरी से अंजना पारछा, पटपड़गंज से अवध ओझा, कृष्णानगर से विकास बग्गा, गांधीनगर से नवीन चौधरी, शाहदरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी और मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। इस लिस्ट में 3 ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर काफी चर्चा थी कि उन्हें कहां से टिकट मिलेगा। पहला नाम अवध ओझा का था। दरअसल अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, लेकिन अब फाइनल हो गया है कि वो मनीष सिसोदिया की सीट रही पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। सिसोदिया इस सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। वहीं इसी के साथ पिछले चुनाव में उन्हें बहुत कम अंतर से जीत मिली थी, जिसके बाद उनको लेकर कई चर्चाएं चल रही थी। साथ ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार 3री बार सरकार बनाने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पार्टी ने पिछली बार इन 20 सीटों में से 19 पर जीत हासिल की थी। गांधीनगर सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार पार्टी ने अपने 19 मौजूदा विधायकों में से 16 के टिकट काट दी है। चांदनी चौक से वर्तमान विधायक प्रहलाद सिंह सहनी के बेटे को टिकट दिया गया है, वो अभी यहां से पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले जारी 11 कैंडिडेट की लिस्ट में 5 विधायकों को टिकट नहीं दिए थे। पार्टी ने अब तक कुल 31 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और 21 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इससे पहले 21 नवंबर में जारी की गई पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पहली लिस्ट में मौजूदा 3 विधायकों का टिकट काटते हुए दूसरे दलों से आए नेताओं को प्राथमिकता मिली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।